पहले की जो वीडियो है उसमें हम ये चर्चा कर चुके हैं कि लोक प्रशासन का जो इम्पोर्टेंस है वो क्यों है, वो क्यों बढ़ रहा है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि लोक प्रशासन का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, जो बढ़ रहा है, उसके पीछे के रीजन्स क्या है, आखिर वो कौन सी कारक है जिसकी वजह से लोक प्रशासन का जो महत्व है वो बढ़ रहा है। शिकायतों को ई प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर सकते हैं, अगर सरकार को ओपिनियन देनी हो या किसी पॉलिसी की क्रिटिसाइज करना हो तो उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। इससे समझ में आता है कि जैसे जैसे समय के साथ साथ टेलीग्राफ, टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, इनका जो डेवलपमेंट हुआ तो ज्यादा संख्या में लोगों को मैनेज करना संभव हुआ, उनको कंट्रोल करना आसान हुआ। इस वजह से जो ये एडवांसमेंट हुए और सरकार के पास या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे मेथड्स आ गए जिससे कि हम अधिक इस सिस्टम से साइंटिफिकली तरीके से हम ज्यादा चीजों को कर सकते हैं। जैसे कि आज हम डिफेंस सिस्टम है, हम 5000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकते हैं, ऐसी मिसाइलें बनी हुई है। आज रिमोट सेंसिंग सिस्टम है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो गत वर्ष जिस फॉरेस्ट एरिया में जो कितना एरिया ग्रीनरी थी कम हो गई तो कैसे हो गई, सेटेलाइट इमेजेशन पता कर सकते हैं। यदि किसी ज्योग्राफिकल जगह में बदलाव हो तो वह तुरंत हम कार्यवाही कर सकते हैं। जैसे आज आमने सामने युद्ध नहीं होता है क्योंकि हमारे जो सेटेलाइट है वे बता सकते हैं कि यदि किसी सेना का बड़ा मूवमेंट हुआ है या किसी प्रकार की कोई मिलिट्री एडवांस कुछ एक्टिविटी है तो उसका हमें तुरंत आइडिया लग जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब मौसम खराब होता है या तूफान आने की संभावना हो या ओलावृष्टि की बात हो या भारी बारिश की चेतावनी दी जाती है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स बन गए, इससे एडमिनिस्ट्रेशन काफी लोगों की जान माल के जो नुकसान होता है उसे बचा पाता है। तो इससे ये समझने को मिलता है कि जो साइंटिफिक जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए हैं ये एक ऐसा बेस है जिसने एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत बनाया है, जिसने लोक प्रशासन की जो पकड़ है उसको मजबूत की है और उसके इम्पोर्टेंस को बढ़ाने में एक रीजन रहा है। इसके बाद हम दूसरा जो रीजन उसको डिस्कस करते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जैसे कि हम सबको पता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले औद्योगिक क्रांति क्या है, औद्योगिक क्रांति है
जो काम मैनुअल तरीके से किए जाते थे, जो एक सावधानी तरीके से किए जाते थे, उनका मशीनीकरण करना और उसके अकॉर्डिंग कोई भी कार्य को करना, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, मशीनों के थ्रू उसमें काम किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रोडक्शन, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में उसको हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसके आने से ये कुछ मैनेजमेंट की टेक्निक्स का डेवलपमेंट हुआ, जैसा कि F.W. टेलर जो साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो स्वयं एक इंडस्ट्री में काम करते थे और उन्होंने कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स का डेवलपमेंट किया। एक बेस्ट वे ऑफ डूइंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग एनीथिंग का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। तो इस तरीके से जब इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन हुआ, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए इनोवेशन हुआ, मैनेजमेंट मेथड्स आए, टेक्निक्स आए, इस बेस पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उससे भी प्रशासन को ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो थ्योरी है वो डेवलप हुई और उसका इम्पोर्टेंस उसके रीजन बढ़े। तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर हम तीसरे पॉइंट की तरफ ध्यान दें तो यह है इकोनॉमिक प्लानिंग। जैसे कि हम सबको पता है कि भारत ने अपने डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का गठन किया, जो इससे नीति आयोग जो उससे पहले योजना आयोग के रूप में कार्य कर रहा था, पंचवर्षीय योजनाएं एक वर्षीय योजनाएं बनाते थे, यानी हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते थे, हम GDP कैसे बढ़ाए, हमारे जो विभिन्न सेक्टर है, इंडस्ट्री हुआ, सर्विस सेक्टर हुआ, इन सेक्टर्स कैसे डेवलप किया जाए, उसके लिए प्लानिंग की जाती है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए क्या किया जाए, सेविंग्स को कैसे बढ़ाया जाए और उसका एक्सपेंडिचर कैसे हो, हमारे जो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी कैसे है, इन्वेस्टर्स कैसे है। तो इस तरीके की जो प्लानिंग करने के लिए हमें एक प्रशासन की जरूरत थी जहाँ विभिन्न सेक्टरों के लोगों को इंटीग्रेट किया जा सके और एक सामूहिक रूप से एक नीति का विकास किया जा सके। इसी प्रकार से जैसे भारत ने औद्योगिक नीतियां, इंडस्ट्री पॉलिसीज बनाई है, तो ये सब चीजें इस चीज की तरफ इशारा करती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बिना इतने लोगों के डेवलपमेंट को कर पाना कठिन है। तो इसलिए इकोनॉमिक प्लानिंग की जो जरूरत महसूस हुई उसने भी लोक प्रशासन के महत्व को, या उसके एक रीजन है जिसने इसको ग्रोथ किया। अब हम बात करते हैं वार की, यह लड़ाई की। जैसे कि हम सबको पता है, जैसे भारत अपनी सीमाओं पर अपने पड़ोसी राष्ट्रों से कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। जैसे हाल फिलहाल में चीन और भारत का जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो टेंशन में है। इससे ये जाहिर होता है कि कुछ राष्ट्र या कुछ देश हमारे देश को अराजकता की तरफ ले जाना चाहते हैं, और जैसे POK में जिस तरीके से जो चीन है वो एक रोड बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं ताकि एक राष्ट्र को वार का एक डर होता है। नेपाल के वहां से जो फर्जी करेंसी बन के या डेवलप होते हैं, टेररिस्ट जो आते हैं, तो नेपाल के साथ हमारी कंडीशंस खराब हो रही है। नक्सलिज्म की जो बात है, बांग्लादेश में जो अभी रोहिंग्या जो हमारे अतिक्रमणी है उनकी जो बात है, ये ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको एक इंडिविजुअल इंसान या कुछ लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो समस्याएं ये ग्लोबल
ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण हो चुका है, उसमें से उनका कई राष्ट्र मिलकर के जानबूझ के इस तरीके का प्रयास करते हैं कि किसी भी राष्ट्र को अस्थिर करके उनके जो भी हित है उनको वो सिद्ध कर सके। तो जो युद्ध जैसी स्थितियां हैं इनसे बचने के लिए भी प्रशासन की जरूरत है, और उसके लिए पूरा एक मैनेजमेंट, एक डिफेंस के डेवलपमेंट ये आवश्यक है, जो कि एक प्रशासनिक स्ट्रक्चर या एडमिनिस्ट्रेशन के बिना संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे राष्ट्र में पॉपुलेशन ज्यादा है और जो हमारे रिसोर्सेज है वो कम है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भारत के जो रिसोर्सेज है वो इतने नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जो बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। ऐसी स्थिति में जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं, किस तरीके से हम हमारे पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, किस तरीके से हम कोशिश करें कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि जो हमारे राष्ट्र के रिसोर्सेज है प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच पाए, कैसे हम टैक्स का इस तरीके से उनको डिसाइड करें कि जो ज्यादा बेनिफिट की जो चीज है वो टैक्स के द्वारा गरीबों तक जा पाए। इस तरीके की चीजें करने के लिए हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से जैसे कि हम सबको पता है वेलफेयर स्टेट में आज हम काम करते हैं, आज के समय में तो राज्य के प्रमुख कार्य है लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना, उनकी जो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कार्य करना, तो इस तरीके से हम ये डिस्कस करते हैं। कुछ और रीजन है जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।